तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो तो अमेरिका का वीज़ा कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा, तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल में डिटेल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पूरा। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो घूमने के लिए या वर्क के लिए या स्टूडेंट के लिए, तो वीज़ा आपको कैसे मिलेगा ये मैं बताऊँगा आज आपको। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड सेल एल्गोट में। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेन घूमने के लिए जाना चाहते हो, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं मतलब, या स्टूडेंट मतलब पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, या तो विदेश में मतलब जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, तो कैसा आपको वीज़ा प्रोसेस होगा और कितने दिन का टाइम लगेगा, ये सब कुछ आज आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड सेल एल्गोट में। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो घूमने के लिए, या किसी दूसरे देश जाना चाहते हो, यूरोपियन देश जाना चाहते हो, या और भी किसी देश मतलब जाना चाहते हो घूमने के लिए या स्टडी के लिए, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा, तो दोस्तों आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, क्या आपकी खर्च हो सकता है और किस हिसाब से आप जाओगे। तो देखो दोस्तों, वीज़ा का ना एक प्रोसेस होता है, वीज़ा बनवाने में टाइम लग जाता है बहुत, 6 महीने भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा कभी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वीज़ा मतलब पहले तो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में का वीज़ा आप लोग बनवा रहे हो। जैसे मान लो कि US का बनवाते हो, तो US के वीज़ा के लिए तो अभी बहुत वो चल रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है लोगों को। तो देखो दोस्तों, अमेरिका वैसे घूमने जाने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप घूमने जाना चाहते हो, आपको घूमने का प्लान है, तो आप जा सकते हो अमेरिका। और भी मतलब यूरोप के बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, जैसे कैच रिपब्लिक हो गया, द नीदरलैंड्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे देश हैं। तो वीज़ा तो आपको लेना पड़ेगा, और कितने दिन में मिलेगा ये वीज़ा वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले वीज़ा का जो मेन प्रोसेस होता है ना, वो होता है कि आप मतलब अपना वो बनवाओ वीज़ा। और वीज़ा बनवाने में शुरुआत में तो टाइम लग जाता है पहली किसी कंट्री का, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आराम से आपको वीज़ा मिल जाता है। और दोस्तों, एक जो बात है कि सबसे आसान वीज़ा कौन सा होता, मतलब जो सबसे जल्दी मिल जाए, तो देखो ट्रैवल वीज़ा भी आपको जल्दी मिल जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा, और अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो वो वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। आसान वीज़ा तो मतलब कि मिल ही जाएगा, ऐसी तो कोई वो नहीं है। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन से कंट्री में विज़िट करना चाहते हो। तो देखो, स्टूडेंट ज़्यादातर ज़्यादा क्या होता है कि अमेरिका जाते हैं, इंग्लिश कल्चर वाले देश जाते हैं, मतलब जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, स्टूडेंट जो है ज़्यादातर अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मतलब यूरोपियन कंट्री में भी जाते हैं, पर इतना नहीं जाते जितना कि जहाँ इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है उन कंट्री में जाते हैं। तो आप भी जा सकते हो अगर स्टूडेंट बनकर जाना चाहते हो, तो इंग्लिश बोलने वाले देश आपके लिए सही रहेंगे, आपको आसानी होगी। और अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कैच रिपब्लिक जा सकते हो, क्योंकि कैच रिपब्लिक भी एक अच्छी कंट्री है मतलब। तो मैं तो कहूँगा कि जाओ कैच रिपब्लिक की, एक सबसे अच्छी बात है कि सस्ता देश है और अच्छा भी देश है, तो कैच रिपब्लिक जाने में कोई समस्या है नहीं। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट कैच रिपब्लिक जाते हैं सस्ता होने की वजह से, फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है आपको सस्ता होने की वजह से। तो सुविधाएं आपको अच्छी मिल जाएंगी कैच रिपब्लिक में, जैसे अब रूम का रेंट कितना है कैच रिपब्लिक जाते हो तो यही कुछ $300 से $400 तक आपका रूम का रेंट पड़ जाएगा। और खाने पीने का खर्च कितना होगा, खाने पीने का खर्च आपका ज़्यादा से ज़्यादा 500 यूरो का तक मान के चलो, मतलब मंथली 500 यूरो तक आपका पड़ जाएगा खाने पीने का खर्च। और जैसे घूमना उमना अपना और भी मतलब नाइट लाइफ इंजॉय करना, तो उसके लिए आपके लिए कम से कम $700 से $800 मान के चलो। तो
और भी मतलब आप जाना चाहते हो जैसे कैच रिपब्लिक में बहुत सी जगह है। कैच रिपब्लिक की जो मेन शहर है, मेन स्ट्रीट है, वो है पराग्वे। पराग्वे की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है और पराग्वे की नाइट लाइफ आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो अच्छा है, मतलब बजट कंट्री है एक, और ज़्यादातर इंडियंस भी कैच रिपब्लिक जाते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगा है नहीं वो और बजट में आता है लोगों के। इस वजह से कैच रिपब्लिक जाना लोगों को पसंद है। और कैच रिपब्लिक की सबसे अच्छी बात यह है कि नाइट लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है, बजट भी ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, वो वहाँ जा सकते हैं। और जॉब करने के लिए भी कैच रिपब्लिक अच्छी जगह है, अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको वहाँ। अगर जॉब सीख के जाते हो, मतलब काम कोई सीख के जाते हो आप, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। देखो, अगर आप काम सीख के जाओगे कहीं पर भी काम जॉब करने, तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और अगर काम अच्छा सीख रखा है आपने तो सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। तो कैश रिपब्लिक आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप जाना चाहते हो। घूमने के लिए भी अच्छी जगह है, कैश रिपब्लिक में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और कैश रिपब्लिक की जो सबसे अच्छी जगह है वो है नाइट लाइफ। कैश रिपब्लिक की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है और कैश रिपब्लिक की सबसे अच्छी जगह है पराग्वे। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप पराग्वे जा सकते हो, कैच रिपब्लिक की नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। और एक बजट कंट्री है, मतलब ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा नहीं, तो जितना सस्ता हो सकता है आप कर लो। कैच रिपब्लिक जाने के लिए आपका वीज़ा प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा और वीज़ा लेने के बाद अच्छे से जा सकते हो। और कैच रिपब्लिक वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि वो देश इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो खूबसूरत है। ज़्यादातर लोग वहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय करने ही जाते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको कैच रिपब्लिक जाना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो कैच रिपब्लिक तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रूम का रेंट कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा $300 मान के चलो। और खाने पीने के लिए आपके लग जाएंगे $400 मान के चलो। और घूमने फिरने का, अपना नाइट लाइफ एंजॉय करने का $1,000 मान के चलो। तो $1,500 से लेके $2,500 तक आपका कैच रिपब्लिक में सब कुछ हो जाएगा। तो कैच रिपब्लिक जाना एक अच्छा विकल्प रहेगा। और कैच रिपब्लिक में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के। पराग्वे कैच रिपब्लिक का मेन स्ट्रीट है। कैच रिपब्लिक की राजधानी भी पराग्वे है। तो कैच रिपब्लिक का एक अच्छा विकल्प है, जा सकते हो आप। कैच रिपब्लिक अगर आप जाने के सोच रहे हो तो जा सकते हो। और कैच रिपब्लिक की मतलब जितनी तारीफ की जाए, कैच रिपब्लिक अगर आप जाने का सोच रहे हो तो जा सकते हो। कैच रिपब्लिक की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, इतना ज़्यादा खूबसूरत वो देश। कैच रिपब्लिक की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्योंकि इतना खूबसूरत देश है कैच रिपब्लिक। हर मामले में बहुत खूबसूरत है कैच रिपब्लिक। और कैच रिपब्लिक की सबसे अच्छी बात यही है कि वो खूबसूरत है। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। ज़्यादातर टूरिस्ट कैच रिपब्लिक आते हैं इसीलिए नाइट लाइफ इंजॉय करने। और वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। एक बजट देश है, तो मैं तो कहूँगा कैच रिपब्लिक आपको जाना चाहिए। अब बात करें अगर यूरोप के देश की, अगर घूमने जाना चाहते हो तो स्लोवेनिया बहुत एक खूबसूरत देश है, क्योंकि स्लोवेनिया एक बहुत खूबसूरत देश है। वहाँ लाखों टूरिस्ट रोज़ाना घूमने आते हैं।
तो मैं तो कहूँगा कि आप स्लोवेनिया जाओ अगर आप घूमना चाहते हो तो। कैश रिपब्लिक आप जाओ। और स्लोवेनिया की बात करूँ मैं तो स्लोवेनिया एक बहुत खूबसूरत देश है, कोई तारीफ़ बहुत है स्लोवेनिया की। बात करूँ अगर यूरोप के खूबसूरत देश की तो वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक बहुत खूबसूरत देश है जहाँ आप वीज़ा लेके जा सकते हो, आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा स्लोवेनिया का। तो जाइए स्लोवेनिया, वीज़ा तो आपको आसानी से मिल जाएगा स्लोवेनिया का। 3 महीने के अंदर आपको स्लोवेनिया का वीज़ा मिल जाएगा। स्लोवेनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश है। स्लोवेनिया की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, लाखों टूरिस्ट यहाँ रोज़ाना घूमने आते हैं। स्लोवेनिया की करेंसी जो है वो यूरो है, तो महंगा देश तो है स्लोवेनिया, पर आप जा सकते हो घूमने अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो। स्लोवेनिया स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, यूरोप का एक बहुत अच्छा देश है स्लोवेनिया। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो स्लोवेनिया जाते हैं। स्लोवेनिया खूबसूरत बहुत है और वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। तो स्लोवेनिया जाइए, और ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। स्लोवेनिया की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर आप घूमने का जा रहे हो तो स्लोवेनिया जाना, क्योंकि घूमने के लिए स्लोवेनिया बहुत अच्छी जगह है। तो स्लोवेनिया जाइए आप, स्लोवेनिया की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। स्लोवेनिया का मेन स्ट्रीट है लिजब्लांजा, इसकी नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। और कंट्री महंगी है ये, पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के क्लब्स भी बहुत अच्छे हैं, जा सकते हो आप घूमने। 3 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूरोप के दूसरे देश की बात करूं तो वो है पोलैंड। पोलैंड एक बहुत खूबसूरत देश है। पोलैंड वीज़ा आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं आपको। पोलैंड में लाखों टूरिस्ट रोज़ाना घूमने आते हैं, क्योंकि पोलैंड है बहुत अच्छी जगह। पोलैंड का मेन स्ट्रीट है, पोलैंड वैसे बहुत खूबसूरत देश है अपने आप में। पोलैंड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। पोलैंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, और ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट पोलैंड ही जाते हैं, क्योंकि पोलैंड एक कम बजट वाला देश है। मतलब अगर आपका बजट है $3,000 तो आप पोलैंड जा सकते हो। पोलैंड स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। तो अगर घूमना जाना चाहते हो तो पोलैंड जा सकते हो। मैं तो आपको कहूँगा कि आपको पोलैंड जाना चाहिए, क्योंकि पोलैंड में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, और पोलैंड की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, पोलैंड के क्लब बहुत अच्छे हैं, और पोलैंड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत देश है। आपको इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी पोलैंड में कि आप अच्छे से वहाँ नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो पोलैंड, तो बहुत अच्छी जगह है पोलैंड जॉब के लिए। जॉब करने के लिए अगर पोलैंड जाओगे तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको। स्टूडेंट भी हो अगर आप तो जा सकते हो। पोलैंड एक कम बजट वाला देश है, तो पोलैंड जा सकते हो आप।
पोलैंड की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, क्लब बहुत अच्छे हैं, और पोलैंड एक बजट देश है। ज़्यादातर इंडियन पोलैंड जाते हैं क्योंकि पोलैंड बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, पोलैंड बहुत अच्छी जगह है। तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप पोलैंड जाओ, और पोलैंड में बहुत अच्छे अच्छे मतलब घूमने के लिए आपको जगह और भी मिल जाएंगी, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा पोलैंड जाओगे तो। आप वीज़ा भी आसानी से आपको पोलैंड का मिल जाएगा, तो पोलैंड जाना चाहिए आपको घूमने। अब यूरोप के तीसरे देश की बात करूं तो वो है स्लोवाकिया। स्लोवेनिया और स्लोवाकिया दो अलग अलग देश हैं, पर लोग सोचते हैं कि एक ही देश है। स्लोवाकिया का वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाएगा। स्लोवाकिया की करेंसी यूरो है। देश महंगा है पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का मेन स्ट्रीट है ब्रिटिश लावा। ब्रिटिश लावा की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, और स्लोवाकिया का वीज़ा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्लोवाकिया का वीज़ा आपको 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो आपको स्लोवाकिया जाना चाहिए। €3,000 से लेके €5,000 तक आपका खर्च हो जाएगा मंथली, तो स्लोवाकिया जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए स्लोवाकिया अच्छा रहेगा। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट स्लोवाकिया जाते हैं। स्लोवाकिया एक बहुत अच्छी जगह है। स्लोवाकिया स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। स्लोवाकिया एक महंगा देश तो है पर आप जा सकते हो स्लोवाकिया। स्लोवाकिया एक अच्छा देश है। स्लोवाकिया का रूम रेंट 1,500 तक पड़ जाएगा आपको, 1,500 €। तो स्लोवाकिया जाना चाहिए आपको, स्टूडेंट हो तो जाना चाहिए। अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो तो स्लोवाकिया जा सकते हो, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया एक बहुत खूबसूरत देश है। स्लोवाकिया की नाइट लाइफ और क्लब बहुत अच्छे हैं, तो मैं तो आपको कहूँगा आपको स्लोवाकिया जाना चाहिए। स्लोवाकिया का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। स्लोवाकिया की नाइट लाइफ और क्लब बहुत अच्छे हैं। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो स्लोवाकिया जा सकते हो। स्लोवाकिया की मेन बात करें अगर यूरोप के चौथे देश की तो वह लेटविया। लेटविया एक बहुत खूबसूरत देश है। लेटविया आप जा सकते हो, आपको लेटविया का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेटविया का वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में आपको मिल जाएगा। लेटविया का मेन स्ट्रीट है रीगा, तो आप जा सकते हो। लेटविया एक बहुत खूबसूरत देश है। लेटविया की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, लेटविया के क्लब बहुत अच्छे हैं।
लाखों टूरिस्ट यहाँ रोजाना घूमने आते हैं। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो लेटविया जा सकते हो। लेटविया का मेन स्ट्रीट है रीगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और लेटविया जा सकते हो आप चाहो तो। मैं कहूँगा कि आपको लेटविया जाना चाहिए, लेटविया बहुत खूबसूरत देश है। लेटविया की राजधानी है रीगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेटविया का मेन स्ट्रीट है रीगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको लेटविया जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो लेटविया तो जा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो लेटविया बहुत अच्छी जगह है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी लेटविया में। लेटविया ज़्यादा महंगा भी नहीं है, $2,000 से लेके 2,000-3,000 डॉलर तक मान के चल लो कि आपको लेटविया में ख़र्चा हो जाएगा। लेटविया में $500 तक का आपको रूम मिल जाएगा, खाने पीने के $500, घूमने फिरने के भी $700 मान लो। तो एक बहुत सस्ता देश है लेटविया। लेटविया की करेंसी यूरो है। तो मैं कहूँगा कि आपको लेटविया जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो लेटविया जा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए लेटविया बहुत अच्छा देश है। लेटविया की मेन स्ट्रीट है रीगा, तो आप वहाँ जाके नाइट लाइफ और क्लब एंजॉय कर सकते हो। मैं कहूँगा आपको लेटविया जाना चाहिए। लेटविया एक बहुत खूबसूरत देश है और बहुत अच्छी जगह है लेटविया। अब बात करूँ यूरोप के पांचवें सबसे खूबसूरत देश की, तो वो देश है स्विट्ज़रलैंड। ये देश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको 2 महीने के अंदर अंदर स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आपको 2 महीने में मिल जाएगा। स्विट्ज़रलैंड एक महंगा देश है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी यूरो है। तो स्विट्ज़रलैंड महंगा है और करेंसी यूरो है, पर फिर भी आप घूमने जा सकते हो क्योंकि यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है स्विट्ज़रलैंड। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत खूबसूरत देश है। स्विट्ज़रलैंड जाइए, स्विट्ज़रलैंड की नाइट लाइफ और क्लब बहुत अच्छे हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड आप घूमने जाते हो तो वहाँ की नाइट लाइफ और क्लब बहुत इन्जॉय करोगे। यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में एक है स्विट्ज़रलैंड।
तो मैं तो कहूँगा आपको जाना चाहिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, 2 महीने के अंदर आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो, तो आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो। स्टूडेंट स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड जा सकते हो आप। अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो तो स्विट्जरलैंड जा सकते हो। स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत देश है, अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको जॉब की यहाँ पर। अगर बात करूँ यूरोप के छठे देश की, जर्मनी, जो बहुत खूबसूरत देश है, जर्मनी का वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करूँ यूरोप के छठे देश की, जर्मनी की, तो बहुत खूबसूरत देश है जर्मनी। जर्मनी का वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तीन महीने के अंदर आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप जर्मनी घूमने जाना चाहते हो तो जर्मनी घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। जर्मनी जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा आपको। जर्मनी का वीज़ा आपको 3 महीने में मिल जाएगा। जर्मनी की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। जर्मनी के क्लब भी बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगा आपको जर्मनी जाना चाहिए। अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो तो जर्मनी में आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो जर्मनी आपके लिए अच्छा रहेगा। जर्मनी ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी में आपको 500 यूरो तक का अच्छा सा रूम मिल जाएगा। और 500 यूरो आपके खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। 500 यूरो आप अपने घूमने फिरने पे भी खर्च कर सकते हो, या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। जर्मनी एक बहुत अच्छा देश है। लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं रोज़ाना। अब बात करें अगर यूरोप के सातवें देश की, रोमानिया की। रोमानिया एक बहुत खूबसूरत देश है। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो आप रोमानिया जा सकते हो।
रोमानिया का मेन स्ट्रीट है बर्चेस्ट। आप रोमानिया घूमने जा सकते हो। रोमानिया एक बहुत सस्ता देश है, लाखों टूरिस्ट यहाँ रोजाना घूमने आते हैं। रोमानिया का वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि आपको रोमानिया जाना चाहिए, क्योंकि रोमानिया एक बजट देश है, सस्ता देश है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया में स्टूडेंट बहुत जाते हैं। रोमानिया में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। रोमानिया में आपको 400 यूरो से लेके 700 यूरो के बीच में एक अच्छा सा फ्लैट मिल जाएगा। रोमानिया में आपको 400 यूरो से लेके 600 यूरो के बीच में एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया एक बहुत खूबसूरत देश है, रोजाना लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो तो रोमानिया जा सकते हो। आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी रोमानिया में। रोमानिया एक सस्ता देश है। रोमानिया का वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तीन से चार महीने के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर जॉब करने जाते हो तो अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी रोमानिया में आपको। तो मैं तो कहूँगा आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया का मेन स्ट्रीट है बर्चेस्ट। तो आपको बर्चेस्ट जाना चाहिए। तो आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया एक बहुत खूबसूरत देश है। रोमानिया की नाइट लाइफ, रोमानिया क्लब बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगा आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। रोमानिया में लाखों लोग रोजाना घूमने आते हैं। तो मैं कहूँगा आपको रोमानिया जाना चाहिए। रोमानिया एक टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा, तो आपको जाना चाहिए। और यहाँ का जो मेन स्ट्रीट है बर्चेस्ट, वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। रोमानिया एक बहुत अच्छा देश है। रोमानिया के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। एक बजट कंट्री है रोमानिया। रोमानिया आपको जाना चाहिए।
रोमानिया एक बहुत अच्छा देश है, रोमानिया की नाइट लाइफ, रोमानिया के क्लब बहुत अच्छे हैं, रोमानिया एक बजट देश है और बहुत सारे भारतीय जाते हैं रोमानिया। वीज़ा जल्दी मिल जाता है रोमानिया का, 3 से 4 महीने के बीच में आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा रोमानिया का। तो अब बात करते हैं यूरोप के एक और खूबसूरत देश की जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बहुत खूबसूरत देश है, ऑस्ट्रिया का वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया का वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में मिल जाएगा। तो 3 से 4 महीने में आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा ऑस्ट्रिया का। आप ऑस्ट्रिया जा सकते हो। ऑस्ट्रिया एक बहुत खूबसूरत देश है, स्टूडेंट भी ऑस्ट्रिया जाते हैं। अगर आप स्टडी के लिए ऑस्ट्रिया जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी। ऑस्ट्रिया जाना चाहिए, मैं तो आपको कहूँगा कि आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो भी ऑस्ट्रिया जाए, अगर आप स्टूडेंट के लिए जाना चाहते हो तो भी ऑस्ट्रिया जाए। जॉब में भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको ऑस्ट्रिया में, तो मैं कहूँगा आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया का वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में आसानी से मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है, तो मैं कहूँगा आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। वीज़ा भी 3 से 4 महीने में मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रिया के क्लब भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए, वहाँ बहुत इन्जॉय कर सकते हो आप। तो ऑस्ट्रिया आपको जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो ऑस्ट्रिया आपके लिए अच्छा रहेगा, घूमने के लिए भी एक बहुत अच्छा देश है ऑस्ट्रिया। लाखों टूरिस्ट यहाँ रोज़ाना घूमने आते हैं ऑस्ट्रिया में, तो मैं तो कहूँगा आपको ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया एक बहुत अच्छा देश है, महंगा देश है ये, अगर आपका बजट है ऑस्ट्रिया जाने का तो आप ऑस्ट्रिया जा सकते हो। तो अब बात करते हैं अमेरिका की। अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो तो अमेरिका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको अमेरिका में मिल जाएगी। अमेरिका के बहुत सारे शहर हैं, सबके सब खूबसूरत हैं। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, अमेरिका में जॉब की बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ज़्यादातर इंडियंस अमेरिका ही जाते हैं।
तो मैं तो कहूँगा आपको अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका एक बहुत खूबसूरत देश है। 5 से 6 महीने के अंदर आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा। अमेरिका का मेन स्ट्रीट है न्यूयॉर्क सिटी। ये बहुत ही अच्छी जगह है। न्यूयॉर्क सिटी के आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए। वैसे पूरे अमेरिका में आप जहाँ अच्छी अच्छी जगह है वहाँ एंजॉय कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा आपको अमेरिका जाना चाहिए। और अमेरिका का एक और शहर है बहुत खूबसूरत है, लास वेगास नेवादा। ज़्यादातर लोग वहाँ नाइट लाइफ और क्लब इन्जॉय करने के लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप नाइट लाइफ और क्लब इन्जॉय करना चाहते हो तो आपको लास वेगास नेवादा जाना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी लास वेगास में। लास वेगास एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। वैसे पूरा अमेरिका ही बहुत खूबसूरत है। पर लास वेगास भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं कहूँगा कि आपको लास वेगास जाना चाहिए। तो अगर आप लास वेगास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो आप लास वेगास जा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अमेरिका जा सकते हो स्टडी के लिए। मैं कहूँगा अगर आप स्टूडेंट हो और स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहते हो तो जा सकते हो आप। स्टूडेंट वीज़ा आपको 3 से 4 महीने में मिल जाएगा। और स्टडी के लिए अमेरिका बहुत अच्छा है। लाखों इंडियंस अमेरिका स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप भी अमेरिका जाना चाहते हो जा सकते हो। लास वेगास नेवादा भी एक अच्छा रहेगा। अमेरिका के कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। लास वेगास में बहुत सारे कॉलेज हैं। आप चाहो तो वहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हो। अगर रूम रेंट की बात करूँ तो लास वेगास में आपको 1,000 से लेके 1,500 डॉलर तक का रूम मिल जाएगा। और $700 आपके खाने पीने पर खर्च हो जाएंगे। तो $3,000 में आप आराम से अमेरिका में रह सकते हो। मैं कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। तो आप जा सकते हो लास वेगास नेवादा। अगर आप जॉब करने के लिए भी आते हो तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो मैं कहूँगा और वीज़ा का प्रोसेस 3 से 4 महीने के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हो
तो जा सकते हो। लाखों भारतीय अमेरिका जाते हैं जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अमेरिका की नाइट लाइफ और क्लब को एंजॉय करने के लिए। तो 3 से 4 महीने के बीच में आपका वीज़ा जो है मिल जाएगा आपको। तो मैं कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। अमेरिका के बहुत सारे शहर हैं, हर जगह सैलरी अपने अपने हिसाब से मिलती है। तो हर स्टेट के हिसाब से सैलरी होती है, तो आप जा सकते हो। अब बात करूँ अमेरिका के दूसरे स्टेट की, तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका का न्यूयॉर्क मेन स्ट्रीट है, ये महंगा शहर भी है और अच्छी सैलरी वाली जॉब तो आपको मिल जाएगी। मैं तो कहूँगा अगर आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए तो आपको न्यूयॉर्क जाना चाहिए। लाखों भारतीय न्यूयॉर्क जाते हैं। तो आपको न्यूयॉर्क जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो भी आपके लिए न्यूयॉर्क अच्छा रहेगा। अमेरिका का मेन स्ट्रीट है न्यूयॉर्क। तो आपको जाना चाहिए न्यूयॉर्क। अमेरिका का एक और मेन शहर है नॉर्थ कैरोलिना। तो आप चाहो तो नॉर्थ कैरोलिना भी जा सकते हो। वीज़ा आपको 3 से 4 महीने में आराम से मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको और जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्थ कैरोलिना में आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब भी मिल जाएगी। तो अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा नॉर्थ कैरोलिना। तो मैं तो कहूँगा आपको जाना चाहिए नॉर्थ कैरोलिना। अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो नॉर्थ कैरोलिना एक बहुत अच्छी जगह है। तो नॉर्थ कैरोलिना आप जा सकते हो। बहुत अच्छा शहर है नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका का। एक बजट शहर है तो आप जा सकते हो नॉर्थ कैरोलिना। मैं तो कहूँगा आपको नॉर्थ कैरोलिना जाना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना एक बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह है। नॉर्थ कैरोलिना की आप नाइट लाइफ क्लब एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नॉर्थ कैरोलिना में आप बहुत एंजॉय कर सकते हो।
तो मैं तो कहूँगा आपको नॉर्थ कैरोलिना जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना एक बहुत अच्छी जगह है। अमेरिका का हर शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं तो कहूँगा आपको जाना चाहिए अमेरिका। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो भी आपको अमेरिका जाना चाहिए। अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो अमेरिका जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको अमेरिका ही जाना चाहिए। तो अब बात करने वाले हैं यूरोप के एक और खूबसूरत देश की, नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स पूरे यूरोप का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है नीदरलैंड्स। तो अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो नीदरलैंड्स आपके लिए अच्छा रहेगा। नीदरलैंड्स की मेन स्ट्रीट है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत जाना जाता है, वहाँ की नाइट लाइफ क्लब बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो नाइट लाइफ क्लब तो एम्स्टर्डम जा सकते हो। मैं तो आपको कहूँगा आपको नीदरलैंड जाना चाहिए। नीदरलैंड्स एक बहुत खूबसूरत देश है। नीदरलैंड्स का वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, 3 से 4 महीने के बीच में आपको नीदरलैंड्स का वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा आपको नीदरलैंड्स जाना चाहिए। नीदरलैंड्स एक बहुत खूबसूरत देश है। नीदरलैंड्स का नाइट लाइफ और क्लब बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो। नीदरलैंड्स का एक और शहर है उट्रेस्ट, बहुत अच्छा शहर है वो भी, तो वहाँ भी आप जा सकते हो घूमने। अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हो नीदरलैंड्स तो आप जा सकते हो। आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी नीदरलैंड्स में। अगर आप एक स्टूडेंट हो स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो तो भी आप नीदरलैंड्स जा सकते हो। नीदरलैंड्स एक बहुत अच्छी जगह है, आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा, 3 से 4 महीने के बीच में मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा आपको नीदरलैंड जाना चाहिए। नीदरलैंड्स में बहुत सारी घूमने की अच्छी अच्छी जगह है, वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें नीदरलैंड्स की रूम रेंट की, तो जितना आप स्ट्रीट के पास लोगे रेंट उतना महंगा होगा। तो मैं कहूँगा कि आपको एम्स्टर्डम शहर में लेना चाहिए अपना अपार्टमेंट।
नीदरलैंड्स का वीज़ा तो आसानी से मिल ही जाता है। घूमने के लिए जाना चाहते हो तो नीदरलैंड्स एक बहुत अच्छा जगह है, जा सकते हो घूमने वहाँ पर। नीदरलैंड्स का मेन स्ट्रीट है एम्स्टर्डम, वहाँ की नाइट लाइफ क्लब बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टडी के लिए जाते हो तो जा सकते हो नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में बहुत सारी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जा सकते हो आप घूमने। और नीदरलैंड्स का एक और मेन स्ट्रीट है, बहुत अच्छा शहर है उट्रेस्ट, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो मैं तो कहूँगा आपको उट्रेस्ट भी जाना चाहिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर लाखों टूरिस्ट रोज़ाना आते हैं घूमने। यूरोप का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का हर एक शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है और घूमने लायक है। वीज़ा तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। तो मैं तो कहूँगा आपको नीदरलैंड जाना चाहिए। एम्स्टर्डम शहर भी बहुत अच्छा है, अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है एम्स्टर्डम, अपने क्लब नाइट लाइफ के लिए। तो मैं तो कहूँगा आपको जाना चाहिए एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स का वीज़ा आसानी से तो मिल ही जाता है, एक अच्छा और बजट कंट्री है नीदरलैंड्स, बहुत सारी खूबसूरत जगह है नीदरलैंड्स में, आप जा सकते हो घूमने के लिए। तो मैं तो कहूँगा आपको जाना चाहिए नीदरलैंड्स अगर आप घूमने जाना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप नीदरलैंड जा सकते हो। नीदरलैंड्स स्टडी के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वहाँ पर सस्ते रूम भी मिल जाएंगे उट्रेस्ट शहर में, और स्टडी के लिए बहुत अच्छी जगह है नीदरलैंड्स के। वैसे सारे शहर अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैं तो कहूँगा आपको नीदरलैंड्स जाना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो घूमने के लिए, स्टडी के लिए, या जॉब करने के लिए भी जाना चाहते हो तो आपको नीदरलैंड्स जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत खूबसूरत देश है। अपनी नाइट लाइफ क्लब के लिए बहुत अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया, अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा देश है। लाखों इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया तो जा सकते हो। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया तो जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में मिल जाएगा।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का मेन स्ट्रीट है मेलबर्न, तो आप वहाँ जा सकते हो घूमने, बहुत अच्छी जगह है। वीज़ा आपको 3 से 4 महीने के बीच में आराम से मिल जाएगा, तो आप जा सकते हो घूमने। अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हो तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा 3 से 4 महीने के बीच में, तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो घूमने। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको अगर आप जॉब करोगे तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया तो जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत खूबसूरत देश है, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी आपको जॉब के लिए, तो मैं कहूँगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी जगह है।